पादान सहगन ललिता श्री विशाखार्थ ओम ज्ञानतिमिरं धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सम्मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धान्ति प्रभवे श्रीमहात्मने नामयं विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नामयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीभार्षभानविदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण सम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुग विरुधाभ सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबदे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय ते गौरवाविर्भावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दावानला सम संसार दहने दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दाने बंदिशे गुरु शरण कमल नृत गीत वाद श्रीहरि कीर्तने राहे न मगन महमत मने रोमांच संपाशु हरि गौर प्रेमी बंदिशे गुरु शरण कमल सदरत जिनी विग्रह सेवनी श्रृंगार दियार मंदिर मार्जनी करीन निजुक्त अनुगत जनी बंदिशे गुरु शरण कमल सर्वसुशले पेयर समय प्रसादन कृष्णेर अति स्वादुहै भक्त आस्वादने निज त्रिस्तरये बंदिशे गुरु शरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चित जिनी अन प्रतीक्षणे बंदिशे गुरु शरण कमल व्रज युग द्वंद रति संवर्धने जोक्ति करे सखे सने वृंदावने अति दक्षताए प्रियतम गने बंदिशे गुरु शरण कमल सर्वशास्त्री गाए श्रीहरि स्वरूप भक्तगण भावे सही अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप बंदिशे गुरु शरण कमल
जाहर प्रसादे कृष्ण कृपा भाई जारा प्रसादे अन्य गति नाही त्रिशा कीर्तिरा सब धनी भाई बंदी से गुरु शरण कमल गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मी मुहूर्ते पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्रीहरि सेवा पाए सही वस्तु सिद्धि काल मंदिर से गुरु चरण कम गुण सिंधु गुरु चरण जय गुरु देव जय गुरु देव गुरुदेव जय गुरु देव जय गुरु देव जय गुरु देव गुरुदेव जय गुरु कृष्ण हित चतुर अन कृष्ण सेव मुख ब्रह्मा हैते नारदे रमाते नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्म नाभ गति निहारि मधव वंते अक्षव परम ऐसा बोले अंगीकार करे अक्षर से जय तीर्थ नाम परे छाया तारदास ज्ञान सिंधु तारे कहा हरित दया निधि तारदास विद्यान राजेंद्र हरिला ताहे ताहार किंकर जया धर्म नामे परिचय तारदास ज्ञान माते जय धर्म दास छाते त्रिपुरुष समयति ताहिते ब्रह्मन्न तीर्थ सोरे व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास तायित माधवेन्द्र ओरे माधवेन्द्र भोरी वर शिष्यवर से नित्यानंद श्री अद्वैत वेरो ईश्वर पुरी के धन करिले न श्री चैतन्य गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नय कृपानुगजन जीवन विश्वमर प्रियंतर विश्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीवर गोनाथ प्रिय कवि कृष्ण दास कृष्णदास प्रियवर नरोत्तम सेवा भर तार भग विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय त्रिभक्ति विनोद महाभागवतवर श्री गौरकिश्वर वर हरिभजन तेजर मोद श्रीवासवन विवरा प्रभुपाद अंतरंग त्रिस्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्त चित्त ज्ञान गौरी वेदांत वेदमय गौरवाणी प्रचारिणी महाजन वाम नारायण सर्वितागर प्राणाधान हरिजन गौर निरि जगन सदरे उठ मर गुरु परंपरा गुरु परंपरा
परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा वृंदावन वासी गत वैष्णवे रागन प्रथमे वंदना करे तवर चरण नीलाचल वासी गत महाप्रभुर्गन ते पड़िया बंद कवर चरण नवदीप वासी जत महाप्रभुर्भक्त सवार चरण बंद अयानुराख महाप्रभुर्भक्त जत गौरा देश कबार चरण बंद करिया प्रणति जे देते बैसे गौरंगे रगाना करी बंद कबार चरण हया छेन हेन प्रभु जत दास सवार चरण बंद दंते करि घात ब्रह्मांड करी ते सके नरे जने जाते ए वेद पुराणी गुण जेवासो ने महाप्रभु गान सब पतित पवन कैलो मुई भाभी लैनु करण वंदना करिते सत सखी धारी तम बुद्धि दसे मुनि दम मात्र करे तथापि मुखे राज मन रोलास बस चमी माधवे करनि जगास सर्व वंश के देहि जमा बंध छोड़े जगत दुर्लभया प्रेम धन लोटे मनेरा बातना पूर्ण अचेरा से आया देव की नंदन दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिया द्वैत गदाधर शिव कवि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे पतित पवन अवतार मोसम पतित प्रभु न पाई व्यार आ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सोके कृपावलोकन कर हमी बड़ गोपे दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई
तब कृपा भले भाए चैतन्य निताए। आ करूप नातन रूप रघुनाथ भट युग त्रिदेवा प्रभु लोकनाथ। दया कर श्रीयाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगम गे हरुतम दास। दया कर श्री पाद हृदय दास शुभ वैष्णव कृपा गे अधम दास। दया कर गुरु देवा पतित पावन चरण सेवा मगे हे पतित जन। दयाल निताय दयाल गौ दयाल निताय दयाल गौ दयाल निताय दयाल गौ दयाल निताय दयाल गौ। और पुस्तक नहीं ना उन लोगों को एक पकड़ा देते वो लोग गाते पीछे पीछे है हिंदी पुस्तक है। हाँ उदिल अरुण पूरब भागे निकाल दो उदिल उदिल अरुण निकाल दो उदिल अरुण पूरब भागे इसको देख देगा। दिगमनि गोरा अमनि जागे भकत समूह लैया साथ गेला नगर प्राजे ताथई ताथई बजल खोल घन घन ताए झंझर रोल प्रेम ढल ढल सोना रंग चरण पूर बाजे मुकुंद माधव जादव हरि बोल रे बदन भरे बिछने द्राव से गल रे रात दिवस शरीर साजे ए मन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना देह एबे ना बजले जसोदा सुत करमे पड़िवे लाजे। उदित सपना अइले अस दिन गेला बोली है बस तब के नएबे अलस ना बजर दया राजे प्रकरणिता जान सार ताहे नाना विधा विपदवार करे दतन तुम्हें ताकह अपना खागे कृष्ण नाम सुधा करिया पार जुड़ाव भक्ति विनोद प्राय नाम बिना किछो नहीं कहार चौदह भुवन माजे जीव कल्याण साधन का जगते आसिए मधुर नाम अभिदति मेरा सपन रूपे हृद गगनी बीराजे। जय सची नंदन जय गौर सची नंदन जय गौर। सची नंदन जय गौर। हाँ जगन्नाथ आश्रम निकाल कदाचित कालिंदी तट विपिन स गीत तरोल
उदाभिरि नारी बदन कमला स्वाद मधुप क्रम सम ब्रह्मा मरपति गण सार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें भुज सब वेणु सिर शिशी छमकटि तटे दुकुलम नेत्रांते सहचरि कटाक्ष विदधते सदा श्रीमद्वृंदावन वसती लापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें महाबोध सिरे कन करु चीरे नील शिखरे वसन प्रसादांत सहज बलावा द्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा बसरोद जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें कृपा परवार सजल दलद श्रेणी रुचिर रमवाणी राम सुरदमल पंके रुहमुख सुरेन्द्र आराध्य श्रुति गण सीता गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें रथारूढ़ गाचन पथि मिलिता हो देव पटल सुतिर्पा दुर्भाव प्रतिपद मोपा कर्ण सदैव दया सिंधुर्बंधो सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें परम ब्रह्म पीड़ा कुबलय दलोत्फूल नयोन निवासी नीलाद्रो निहित चरोण अनंत शिरसि प्रसानंदी राधा सरसव पूरा लिंगन सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव नवजाचे राजम नच कणक माणिकम विभव नजाच अम्रम्य सकल जन काम्यंबर वधु सदा काले काले प्रमथपतीनां गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें हरतम संसारम द्रुततरम सारम सुरपते हरतम पापानम विततिमप हम जादव पते अहो दीननाथे नीत चरोण निश्चितमिदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भाव तुम्हें जगन्नाथाष्टकम् पूर्णम् जप प्रजत शोचि सर्व पाप विष्णु लोकम् सागत हे जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा देवी जय सुदर्शन जय बल दामोदर अष्टक निकाल लो 204 नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूप लसत कुंडल गोकुले ब्राजमान यत्कदाभियालोक लब्धावमान रोदंत मोहर नेत्र युग्म मृजंत करंभज जोगमेन सातंक नेत्र मोहर श्वासकंप त्रिरेखांक कंठ सीताग्रैव दाम धरम भक्ति वागम इति दृक्षालीलाभे
रानंद कोंडे सौ सबनी महजंत माख्या पयांतम तदीय सितागेशो भक्तर्जिता पुनः प्रेम का सता वृति वंदे परम देव मोक्ष नमोऽस्यावधेवा नाचान्न व्रीणेहं वरिषादपेहं एदन्ते वपुर्नाथ गोपालबाल सदा मे मनसावे रास्ता किमानये दंत मुखाम भक्तनील वृतंकुतल सिंधर गोप्या मोसुबितंबिबर कधर में मनस विरासमलम लक्ष नम देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाभिम कृपा दृष्टि बृषति दिनंबता गृहणि सामेधस्थ कुबेरात्मज वध मुक्त स्वयं चित भक्ति भाज कृत तथा प्रेम भक्ति सखा में प्रजत न मुख्य ग्रह में श्रीधामोदरे नमस्त सुधामने सुर दीप्त धामने सदराय सभी नम राधिकाय तदीय प्रिया नम अनंत लीलाय देवाय राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर मनिंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करी सती हम कृपा कटाक्ष भाजनम वृक्षवल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुणांग्रिकोमले बराभया स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करी सती अमं कृपा कटाक्ष भाजनम गरंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवम सवी भ्रमं सभ्रमं त्रिगंत बाण पातने निरंतरं वसे कृत प्रतीति नंद नंदने सदा करी ससी अमं कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त को तिसारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करी सती हम कृपा कटाक्ष भाजन मदोन्मदादि यौवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास अनन्न धन्न कुंज राज काम केली को विदे सदा करी ससी अमं कृपा कटाक्ष भाजनम अशेषहाव भाव धीर हिरहार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तने प्रशस्त मंद हास्यपु सौख्य सौख्य सागरे कदा करी ससी अमं कृपा कटाक्ष भाजनम
मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लताग्र लास लोल नील लोचना बलोकन लल्लुलन मिलन मनोज मुग्ध मोहना सृषे सदा करी ससी कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबुकंठ के त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिति सलोल नील कुंतल प्रचूर्ण गोच गुंफिति सदा करी ससी कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंबलंब मान पुष्पमेखला गुणी प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्यमंजुले करींद्र सुंड दंडिका वरोह सौभ गौरुके सदा करी ससी कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मंजु नुपुरार भस्थल समाज राज हंस वंसनी पणासी गौरव बिलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चक्रमे कदा करी ससी कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रि जा पुलोमजा विरिंचि जा वर प्रति अपार सिद्धि ऋद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नके कदा करी ससी कृपा कटाक्ष भाजनम मतेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिवे श्रीराधिके नमस्तुते इति माद्भूतास्तवम् निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनम् कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत् दैव सञ्चित रूप कर्म नाशनम् भवेत् दाव यमाम कृपा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंदे हरे हरि बोल ओम ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। बोल सकता हूँ, इसलिए एक नोटबुक लानी चाहिए, कागज पेन लानी चाहिए, लिखनी चाहिए। हाँ तुम बोलो क्या है दूसरा कारण, क्या है दूसरा कारण? जो राधा रानी का भाव और गोपियों का प्रेम कैसा था वो सब पता नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने ये सब लीला करी थी, इसको प्रधान ने बताया नहीं था, पर महाप्रभु ने उस लीला को जो उन्होंने लीला करी इसको बताने के लिए कि श्लोक में क्या बोलता है अपने आप मनमानी से बोलने से नहीं होता है, नहीं मनमानी से बोलते नहीं होता श्लोक। चिराग तुमको बताए क्या हानि कर रहे हो इस समय, हानि कर रहे हो। हाँ इसलिए नहीं, इसको उस श्लोक को भी याद कर लेना, जो अनर्पित चरिचिरात इस श्लोक को याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा कारण क्या था? हाँ, अद्वैताचार्य ने दुनिया का दुख कष्ट को देख करके उन्होंने तुलसी पत्ता और गंगा पानी दे करके भगवान को उन्होंने आह्वान किया है। और जो सर्वश्रेष्ठ कारण है, जो मुख्य में जो मुख्य कारण था वो क्या है, कहते राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, और बोला और उसके बाद में हाँ वो कैसा है, और तीसरा कारण राधा रानी को भगवान का दर्शन करके किस आस्वादन के किस आनंद अनुभव होता है। हाँ इसलिए कहते ये सर्वश्रेष्ठ कारण है, इसलिए आज हम लोग श्रवण करेंगे हैं ये चीज़ को, आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए इसका तीसरा हेतु कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कारण का जो तीसरा कारण कहते हैं, बोले अत्यंत निगूढ़ ऐ रसेर सिद्धांत स्वरूप गोसाई मात्र जाने ने एकांत। यहाँ कह रहे हैं ये महाप्रभु जगत में आए, उनका जो चौथा कारण का जो तीसरा कारण है, कहते ये जो रस है ये अत्यंत सिद्धांत युक्त रस है, लेकिन ये चीज़ को कौन जानते हैं, कहते केवल श्री स्वरूप दामोदर जानते हैं। कहते स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में कौन थे बताओ, स्वरूप दामोदर कृष्ण लीला में कहते ये श्री ललिता सखी है, ये ललिता सखी, कहते ये चीज़ को एकांत रूप में ये चीज़ को जानते हैं। अगर जगत में कोई जानते हैं हैं, कहते यदि केह जाने तहा थे कि अगर जगत में ये निगुण सिद्धांत को कोई समझते हैं, केवल श्री स्वरूप दामोदर की कृपा से ही ये समझते हैं। इसलिए गोपीगण रे प्रेम रूढ़ भाव निर्मल, इसलिए कहते गोपियों का जो प्रेम है वो निर्मल प्रेम है, हैं वो निर्मल प्रेम, उसमें कोई काम गंध नहीं, शुद्ध प्रेम है, हैं। इसलिए जिस प्रेम को उद्धव आदि ब्रह्मा शंकर नारद भी जिस प्रेम के लिए कामना करते हैं, ऐसे दुर्लभ प्रेम है। यहाँ पर कहते जो काम है, उदाहरण देते हैं, जो काम है कहते ये लोहे के बराबर है, लेकिन जो प्रेम है ये सोना के बराबर है। मतलब गोपियों के प्रेम में कोई काम गंध नहीं था, जिसमें केवल शुद्ध प्रेम जिसमें है। और कहते आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, कहते अपना जो इंद्रिय की जो प्रतिवांछा इसको काम कहते हैं, लेकिन जो कृष्ण जो प्रतिवांछा कहते ये शुद्ध प्रेम, इसका नाम है।
कहते कृष्ण प्रेम का लक्षण का परिचय देते हैं। कहते ये जो गोपियों का जो प्रेम, जो कृष्ण प्रेम, कैसे उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धर्म, देह सुख आत्म सुख मर्म, दुस्तेज आर्य पथ निज परिजन, स्वजन करे जत ताड़न भरसन, सब त्याग करी करे कृष्ण रे भजन, कृष्ण सुख हित करे प्रेम से बन। यहाँ पर कह रहे हैं वो जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है इसका लक्षण क्या यहाँ पर बता रहे हैं। इसका लक्षण बताते हैं ये ऐसे प्रेम है, ये केवल ब्रज गोपियों के अंदर में ये प्रेम देखने को मिली है। उदाहरण देते हैं, जिस समय कृष्ण ने बंसी ध्वनि की, कोई गोपी गोदहन कर रही थी, कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई गोपी पति की भजन करा रही थी, कोई व्यक्ति चूल्हे में आग लगा रही थी, आग लगा करके रोटी सेक रही थी, रोटी जल गई हैं, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई कपड़ा पहन रही थी हैं। लेकिन जब कृष्ण ने बंसुरी बजाई, गोपियों ने क्या किया, उसी समय में ही सब कुछ त्याग दे दिया। उन लोगों ने उसी समय में ही उनने सब कुछ उसी समय उन्होंने त्याग दिया। त्याग देकर क्या किया, बस कृष्ण के लिए चल पड़े हैं। लेकिन कुछ गोपियों को तो रोक दिए, जाने नहीं दिया, और कुछ गोपियां तो अपने आप चली गई। और जिन गोपियों को रोक दी गई हैं, रोक किसको दी गई और किसको रोक नहीं दी गई, बोले जो एकदम शुद्ध निर्मल थी उनको तो रोक नहीं सकी, उनको जोग माया ने उनको मदद की। लेकिन जिनको रोक दी वो कौन थी, बोले जिनके शरीर पति को साथ में संबंध था, पति को साथ में जिसकी संबंध था, वो जो शरीर है वो अपवित्र है, वो कृष्ण भोग के लायक है नहीं, इसलिए उनको गोप ने उनको रोक दिया। लेकिन रोक तो दिया, लेकिन इस शरीर को तो रोक सकती, मन को थोड़ी रोक सकती, आत्मा को थोड़ी रोक सकती है, लेकिन रोक दिया तो उनको। लेकिन जब रोक दिया ना, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति विरह भाव प्रकट हुआ। बोले हे श्याम सुंदर, आज आपका दिव्य रास में, रास क्या बोले उत्सव में, आज हम लोग मिलित नहीं हो पाएगी, इसलिए इतने दुखी होकर के उनको क्या किया, वो जो वही शरीर को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, छोड़ करके आत्म शरीर से उन्होंने भगवान के पास में, आत्म शरीर से उन्होंने प्रभु के पास में पहुंच गए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, लज्जा धर्ज, आत्म सुख, ये जितना है, दुस्तज आर्य पथ, दुस्तज आर्य पथ मतलब स्त्रियों का धर्म क्या है, अपना पति के बात सुनना, अपना मर्यादा में अपना घर में रहना, ये स्त्रियों का धर्म है। लेकिन ये कृष्ण का प्रति इतने आसक्ति थी, उन्होंने उसको भी उन्होंने उन लोगों ने तोड़ दिया। बोले निज परिजन सज्जन करे जत ताड़न भरसन, पति लोग मना कर रहे थे, बोले कहाँ जा रहे हो रात को, बीच आधी रात में कहाँ जा रहे हो, उनका जो ताड़न भरसन थी उनको भी उन लोगों ने त्याग दे दिया, सब कुछ उन लोगों ने त्याग दे दिया। और सब त्याग करी करे कृष्ण रे भजन हैं, इन लोगों ने सबको त्याग दे करके उन्होंने कृष्ण की भजन किया। बोले कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम से बन, बोले कृष्ण के लिए जो के बोले कृष्ण के लिए तत्पर है। कहते यहाँ के कही है कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वस्थ वस्त्र जैसे नहीं कोन दाग। उदाहरण दिया, ये इसको ही कृष्ण प्रति दृढ़ अनुराग कहते हैं, जैसे एकदम सफेद जैसे कपड़ा है, जैसे उसमें कोई भी है काला की जैसे कोई दाग नहीं। कहते इनका जो प्रेम है, ब्रज गोपियों का प्रेम एकदम शुद्ध प्रेम। कोई कोई बोलेगा अरे पति मना कर रहे थे, बच्चे मना कर रहे थे, रात 12 बजे हैं सबके सब घर बार छोड़कर चले गए, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा धर्म है। कहते ये आत्मा का ये शुद्ध धर्म है, इसलिए सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रधक सजे, जीव का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म, कौन सा, भगवान को प्रेम करना ही, यही जीव का परम धर्म है, इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ भी नहीं है, हैं कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं
गोपी गण रे नाही काम गंध, कहते गोपियों के अंदर में थोड़ी सी भी कोई काम गंध उनके हृदय में कोई भी काम गंध नहीं, वो जो कुछ करते हैं कृष्ण सुख के लिए करते हैं। तब यहाँ पर एक श्लोक उदाहरण दिए, बोले जते सुदात चरण बुरुहम स्तनेशु प्रिया दही कर्कशेशु, ये गोपियाँ कह रही हैं रासलीला में। जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान होने के बाद फिर ब्रज गोपियों ने देखा कृष्ण को उनका भजन सबसे प्यारा है, चलो हम यमुना किनारा में बैठ करके कृष्ण के हम भजन गाएंगे। कृष्ण को उनका उनको जो गीत है उनको सबसे प्यारा है, भगवान खुद कहते हैं मेरे भक्त जहाँ पर मेरे कीर्तन करते मैं वहीं रहता हूँ, चलो यमुना किनारे में बैठ करके कृष्ण के हम गीत गाएंगे। लेकिन उन लोगों ने गोपी गीत गाई, लेकिन गोपी गीत गाते गाते जब लास्ट में यही श्लोक गाए ना, फिर कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर कृष्ण का कृष्ण मन्मथ का मन्मथ रूप लेकर गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए कृष्ण बीच में प्रकट हो गए। बोले क्या क्या कारण है क्या? तो यहाँ पर गोपियाँ इनके हृदय में कितने शुद्ध प्रेम कृष्ण का प्रति दिखा रहे हैं। यहाँ पर गोपियाँ कहते हैं श्याम सुंदर तुम केवल हमको हर समय कष्ट ही कष्ट देते हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारी चरण कितने कोमल, कितने कोमल, इतने कोमल तुम्हारी चरण हमारी बक्ष स्थल पे, हम तुम्हारी चरणों को रखने के लिए हमें कष्ट लगता है। क्यों? हमारे बक्ष स्थल कितना कठोर है और तुम्हारी चरण कितने कोमल है, हैं ऐसे हम जिसको अपना बक्ष स्थल में रखने के लिए हमें कष्ट लगता है, अभी तुम उसी चरण को क्या कर रहे हो, इधर उधर जंगल में भटक रहे हो। और जंगल में क्या है, नुकीले नुकीले पत्थर है, वहाँ पर कंकड़ है, वहाँ पर यहाँ पर कांटा है, हैं तुमको कितने कष्ट होता है होता, इसलिए तुम्हारी कष्ट को तो हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए केवल तुम हमको कष्ट देना चाहते हो और कुछ नहीं। इसलिए है श्याम सुंदर तुम्हारी कष्ट को देख करके हमारा जो दिमाग है ना मन तो भ्रमित हो रहा है, बोले तुम्हारी दुख को हम देख नहीं सकते हैं। हे श्याम सुंदर तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, नहीं घूम करके हमारे बीच में तुम प्रकट हो जाओ। जब उन्होंने ये श्लोक को बोले ना, फिर कृष्ण को रहा नहीं गया, कृष्ण झट प्रकट हो गए, उनको बीच में कृष्ण प्रकट हो गए। इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो गोपियों का जो प्रेम कितना निर्मल कितना शुद्ध है, बोले कृष्ण की थोड़ी सी भी दुख को गोपियाँ सहन नहीं कर सकती हैं, हैं? इसलिए कृष्ण कहते कृष्ण ने प्रतिज्ञा एक आच्छे पूर्व है थे। भगवान कृष्ण ने गीता में एक प्रतिज्ञा किया, कौन सा प्रतिज्ञा है बोलो, क्या प्रतिज्ञा कृष्ण? हाँ बोला, इसलिए कहते कृष्ण गीता में एक प्रतिज्ञा की थी, भगवान का ये प्रतिज्ञा किया कृष्ण ने किया था, जे जथा माम प्रबदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। प्रतिज्ञा तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिज्ञा है कृष्ण कह रहे हैं मेरे को जो जितना परिमाण से भजन करता है मैं उसी के अनुरूप उसको प्रेम देता हूँ। अगर एक आना कोई मेरे को भक्ति करे मैं उसको एक आना प्रेम देता हूँ, कोई पाँच आना करे उसको पाँच आना देता हूँ, कोई दस आना करे मैं उसको दस आना प्रेम इसको मैं प्रदान करता हूँ। कृष्ण की ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, लेकिन ये प्रतिज्ञा तो कृष्ण सब जगह में रखा की, लेकिन जब उन्होंने रासलीला की ना यहाँ पर कृष्ण अपना प्रतिज्ञा को रक्षा नहीं कर पाए। बोले क्यों? बोले गोपियों का कृष्ण का प्रति इतना समर्पित थे, इतने प्रेम उनकी था जिसको सामने वो अपना प्रतिज्ञा को कृष्ण नहीं रख पाए, इसलिए कृष्ण को वो प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ा। कृष्ण क्या प्रतिज्ञा तोड़े? बोले न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विधाई वसा विव। बोले हे गोपियाँ अगर मैं ब्रह्मा जैसे अगर परमाय भी ले लूँ मैं कभी तुम्हारी ऋणी से उऋणी नहीं बन सकता हूँ। कारण क्या है? कारण है तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किए हो, इतने समर्पित किए हो,
मैं कभी तुम्हारी ऋणी से उऋणी हो ही नहीं सकता हूँ। एक उदाहरण देकर समझाया, भले कोई एक पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान, सब जगह में जाकर ढीघ हाँकता था, कोई होता आ जाओ मेरे साथ में दो हाथ कर लो, कोई होता आज सबको चैलेंज देता था। बोले जहाँ एक शेर कहीं ना कहीं सवा शेर मिल जाती है, कहीं सवा शेर मिल गया, हाँ ये तो डीघ हाँक रहा था, हैं कोई हो तो आ जाओ, कहीं सवा शेर मिल गया, ओए निकल करके आ गया, उसको साथ में युद्ध क्या करेगा, उसको हाथ से हाथ को बोले मिलाया, इसे दबाया उसको हाथ को, दबा करके झटका मारे ना, वो आकर के सीधा उसका चरण में गिर गया। और वो जो एक सर वाले वाल था, बोले भैया न पा रहे हम, मैं तुमको पार नहीं पाऊंगा, भैया इतना बड़ा पहलवान तू, हाथ में हाथ मिला कर कैसे दबाया, हाँ मेरा हाथ तो टूट गया हैं, और तुमने चरण में गिरा दिया। उसी तरह जो कृष्ण वो एक सर वाले, सब जगह में कृष्ण ढीघ हाँकते थे, जो जैसे मेरे को भजन करेगा मैं ऐसे उसको प्रेम दूंगा, लेकिन जो गोपियाँ ना ये सवा सर वाली हैं, ये गोपियों के चक्कर में कृष्ण पड़ गए, और गोपियों ने ऐसे भजन किया, उन लोगों ने लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म लज्जा सब कुछ उन्होंने कृष्ण सु के लिए सब कुछ त्याग दी, दे करके जो एकांत रूप में कृष्ण चरण में शरणागत हो गई, कृष्ण कहते गोपियाँ मैं तुम्हारी पार नहीं पाऊँगा, तुम्हारी प्रेम के मैं पार नहीं पाऊँगा, मैं फेल हो गया हूँ हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तबे जे निज देह प्रीति कृष्ण लागी। अभी आप बोलोगे गोपियों के अंदर में कोई कामना वासना नहीं, एक उदाहरण दिया, जैसे शीशा को सामने खड़े हो जाओ, खड़े होकर जैसे जैसे शीशा को सामने खड़े होकर क्या करती है गोपियाँ, श्रृंगार करती हैं, काजल लगाती हैं, बिंदु लगाती हैं, केश को संवारती हैं, और अपना क्रीम जो कुछ लगाना श्रृंगार करती हैं। जब श्रृंगार करती हैं हम किस लिए श्रृंगार करते बताओ तो, हाँ अपना अंदर में क्या भावना है, हम कितना सुंदर है, एक तरह का अपने अंदर में भोग की भावना है। मतलब गोपियाँ तो सुंदर श्रृंगार करती हैं, कपड़ा पहनती, क्या इनके अंदर में कोई भावना नहीं, बोले कोई भावना नहीं, इनकी जो भावना है हम क्यों श्रृंगार करती हैं, कृष्ण देख करके खुश हो, अपना इनके अंदर में कोई भी तनिक भी थोड़ी सी भी इनके हृदय में कोई भी कामना वासना नहीं, यही इनकी प्रेम बता रहे हैं, इनकी प्रेम कितने बड़ी ऊंचा है। हम जो कुछ करते हैं अपना सुख भोग के लिए करते हैं, लेकिन वो गोपियाँ जो करती हैं अपना सुख भोग के लिए नहीं, हमको देखकर कृष्ण कैसे खुश हो, कृष्ण अगर खुश हो गए ना बस हमारी श्रृंगार सार्थकता हो जाएगी, सब कुछ कृष्ण सुख के लिए करते हैं, हैं। तो यहाँ पर कहते हैं आर एक अद्भुत गोपी भावर स्वभाव बुद्धि गोचर न है जार प्रभाव। यहाँ पर कह रहे हैं गोपियों की जो प्रेम है कहते एक अद्भुत स्वभाव है, क्या है बोले जो साधारण व्यक्ति हमारी बुद्धि से वो अतीत है, हमारी बुद्धि से अतीत है। बोले क्या है? देखो क्या कहते हैं, बोले गोपीगण करण जखन कृष्ण दर्शन सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। क्या उदाहरण देते हैं, गोपियां जब कृष्ण को दर्शन करती हैं गोपियों के अंदर में कोई भी सुख वासना नहीं, लेकिन नहीं होने पर भी कृष्ण गोपियों को देख करके जब खुश होते हैं ना, कृष्ण गोपियों को देख के खुश हुए, गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, हमने जो श्रृंगार की है हमारे श्रृंगार को देख कर कृष्ण खुश हो गए। अरे जब कृष्ण खुश कृष्ण की जब खुश को देखते हैं ना, अरे गोपियाँ इतने प्रसन्न हो जाती, इतने गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। बोले कितना प्रसन्न, बोले कोटि गुण, जो चीज़ हम समझ नहीं सकते, करोड़ों गुण गोपियाँ खुश हो जाती हैं कृष्ण की खुश को देख करके। बोले कृष्ण गोपियाँ सोचती हैं हमको दर्शन करके कृष्ण इतना सुख हो गए, बस कृष्ण सुख दे करके गोपियाँ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एक गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बढ़ जतो, गोपियों की शोभा को देख कर कृष्ण की जितना शोभा बढ़ता है, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा ततो। इसलिए यही मत परस्पर बाड़े हुड़ा हुड़ी परस्पर बाड़े के हम मुख नाही मोड़ी। कहते कृष्ण का आनंद को देखकर गोपियों का आनंद होता है, और जब गोपियों का आनंद देखते ना फिर कृष्ण का आनंद बढ़ जाता है, फिर कृष्ण जब खुश हो जाते फिर इनको खुश देखकर गोपियों की खुश और ऊपर बढ़ता है, बस दोनों में होड़ लग जाती है, हैं कोई मुख नहीं मोड़ते हैं, मतलब उसको देख कर का उनका आनंद, इनको देख करके उनका आनंद, दोनों को अंदर में आनंद, दोनों को अंदर में होड़ लग जाती है।
होड़ लगते कर करते 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 जहाँ पर कृष्ण नीचे हो जाते हैं और गोपियों का प्रेम जहाँ पर ऊंचा हो जाता है, हैं, जहाँ पर गोपियों का प्रेम ऊंचा हो जाते हैं। तब यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण सोच रहे हैं, कहते कृष्ण चिंता आमी पूर्णानंद रसरूप। कृष्ण कौन है? पूर्ण आनंद है। कृष्ण कौन है? रस स्वरूप है। आमा थके सब आनंद, कहते दुनिया में जो आनंद सबका हृदय में थोड़ा सा आनंद है, वो आनंद कहाँ से आता है? कहते ना सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। जगत में जितने आनंद जीव का हृदय में, वो आनंद कहाँ से आता है? कृष्ण से ही आनंद। क्यों? कृष्ण रस स्वरूप, आनंद स्वरूप। इसलिए कृष्ण सोच रहे मैं स्वयं आनंद स्वरूप, मेरे आनंद से सारा दुनिया आनंदित होते हैं। लेकिन एक अद्भुत चीज है, हैं, लेकिन मैं स्वयं राधा जी को देख करके आनंदित होता हूँ, दुनिया को मैं आनंद देता हूँ, लेकिन मेरे को आनंद कहाँ से मिलती है? श्री राधा रानी से आनंद मिलती है, हैं। कहते राधा रानी का प्रेम ही मेरे को आनंदित प्रदान करती है, राधा रानी का प्रेम। कहते भगवान की जो बंसुरी क्या, कहते त्रिभुवन मानसा करसी मुरली कलकुजित। भगवान जो बंसी ध्वनि करते हैं बोले त्रिभुवन, त्रिभुवन का मन को भगवान आकर्षण कर देती हैं। और कहते इतने आनंद भगवान की बंसुरी में, भगवान जब बंसुरी बजाते हैं, कहते जगत में जितना म्यूजिक, जगत में जितना, जगत में कितना तरह का म्यूजिक है, कहते सारे म्यूजिक का जो जो आनंद है एक तरफ रख लो, कहते बंसी ध्वनि में जो आनंद उसमें जो माधुर्मा एक तरफ रख लो। उदाहरण दिया बंसी ध्वनि में जो माधुर्मा का एक एक समुद्र जैसे है, समुद्र जैसे इसका एक बूंद को साथ में विश्व ब्रह्मांड का जितने म्यूजिक है उसको एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकता हूँ। ऐसे कृष्ण जब बंसी ध्वनि बजाते हैं सारा दुनिया त्रिभुवन मुग्ध हो जाते हैं, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता है, यमुना उल्टी बहने लग जाती है, फूल खिल जाती है, वर्षा आकाश में मेघ आकर के रिमझिम रिमझिम बारिश करना शुरू कर देते हैं, और जितने पक्षी सब मुनि बन जाते हैं, ऐसे गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत हो जाती हैं, सब अपना चंद्रमा एक जगह में ठगी सी ठगी रह जाती है, ऐसे कृष्ण की बंसी ध्वनि। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कहते भैया मेरी बंसी ध्वनि सुन करके त्रिभुवन तो आकर्षण हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी की बोली सुनता है ना, मेरा मन अपने आकर्षित हो जाता है। दुनिया मेरी बंसी सुन करके आकर्षित होते हैं, लेकिन राधा रानी का जो वचन इतनी मीठी, इतने मीठी राधा रानी का वचन मैं जब सुनता हूँ मेरा मन आकर्षण कर लेती। तब राधा रानी की वचन में क्या आनंद, राधा रानी की वचन में। इसलिए कहते आमार रस जगत सुरस, कहते मेरे से रस पा करके सारा दुनिया रस में डूब जाते हैं, लेकिन कहते श्री राधा रानी की अधर सुधा रस से मैं स्वयं आप्लावित हो जाता हूँ। इसलिए मेरे स्पर्श, कृष्ण का शरीर कैसे है, कहते ना निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। भगवान की जब शरीर है करोड़ों चंद्रमा से भी भगवान के शरीर सुशीतल है, कृष्ण सोच रहे हैं। लेकिन मैं जब राधा रानी को स्पर्श करता हूँ, राधा रानी की स्पर्श पा करके मेरा शरीर सुशीतलता को प्राप्त होता है। ऐसे राधा रानी की प्रेम, इतने राधा रानी की प्रेम है। कहते सारा दुनिया मेरे को देख करके पागल हो जाते हैं, हैं, भगवान को जो कहते ना कोटि, भगवान की कैसे बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष स्वभाव, भगवान की स्वरूप कैसे बोले करोड़ों काम देव भी जिनका रूप को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, इतने कृष्ण सुंदर है। अपना परिचय को देख कर कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं, इनके रूप देख करके लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ देती है, हैं, नारायण भी बच्चों को चोरी करते हैं इनके रूप को देख करके, देखने के लिए इतने सुंदर कृष्ण। लेकिन कहते मेरा रूप देख करके दुनिया मुग्ध होता है, लेकिन जब मैं राधा रानी को देखता हूँ मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। इसलिए बोले बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंड, जब राधा रानी की मैं दर्शन करता हूँ मेरे जो बंसुरी गिर जाता है, मेरे मयूर पुकट गिर जाता है, राधा रानी जब एक बार मेरे को दर्शन करती हैं मैं भी स्वयं गिर जाता हूँ। ऐसे राधा रानी का इतने सुंदर श्री
राधा रानी देखने में इतना सुंदर है। हाँ, इसलिए श्री राधा रानी इनके प्रेम के से जब तमाल वृक्षों को देखती हैं, राधा रानी कृष्ण का रंग काला, तमाल वृक्ष भी काला, राधा रानी तमाल वृक्षों का आलिंगन करके एकदम उसमें डूब जाती हैं। जब राधा रानी मोर पंख और मेघ को दर्शन करती हैं, कहते उसको देख करके राधा रानी प्रेम वैचित्रता में जैसे मानो कृष्ण रूप मान करके उनको साथ में राधा रानी बात करती हैं, उसको साथ में राधा रानी कहते विश्व ब्रह्मांड मेरे शरीर में जो सुगंध है, कृष्ण के शरीर में सुगंध है, कहते मेरे शरीर का सुगंध से विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं, इतने सुगंध। लेकिन जब मैं श्री राधा रानी की सुगंध को ग्रहण करता हूँ मैं स्वयं मुग्ध हो जाता हूँ। हैं, इसलिए तो यहाँ पर कृष्ण सोच रहे हैं अभी मेरे अंदर में ये जितने माधुर्य है, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप जितने माधुर्य, लेकिन ये माधुर्य को जगत में कौन आस्वादन करती है पूर्ण रूप में? केवल श्री राधा रानी। यद्यपि सब भक्त लोग ने आस्वादन करते तो है, लेकिन वो पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती? बोले श्री राधा रानी। राधा रानी जैसा आस्वादन करती और कोई भी इतना आस्वादन नहीं करती। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, इसलिए मेरे अंदर में क्या ऐसे चीज है, हैं? ऐसे चीज है श्रीमती राधा रानी को मैं स्वयं वशीभूत कर देता हूं, मेरे अंदर में क्या चीज है, इसलिए और मेरे से उनको करोड़ों गुण राधा रानी को आनंद होता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, इसलिए जब तक मैं स्वयं राधा जी की भाव और अंग कांति ग्रहण नहीं करूँगा तब तक मेरे रूप को, मेरी माधुर्य को मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अभी कृष्ण ये सोच रहे हैं, इसलिए सोचते सोचते इतने में आ गया द्वापर युग, इतने में आ गया कलिजुग। जब कलिजुग आ गया, कलिजुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, कलिजुग का युग धर्म क्या? हरिनाम संकीर्तन कलिजुग का युग धर्म। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, कलिजुग का युग धर्म भी आ गया और ये समय भी आ गया। इतने में कृष्ण स्वयं कलिजुग में राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेकर के कलिजुग में, कलिजुग का जो युग धर्म हरिनाम प्रचार करने के लिए और अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए राधा रानी मेरी माधुर्य को दर्शन करके क्या उनका आनंद होता है, इसको रस को आस्वादन करने के लिए कलिजुग में कृष्ण स्वयं श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में महाप्रभु प्रकटित हुए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले श्री अद्वैत आचार्य की, निताय गौर प्रेमानंदे। हाँ, इसको इसको ना थोड़ी सी हो सकता तुम लोग थोड़ा पढ़ करके आना, ठीक है? कल कल मैं पूछूंगा। हाँ ठीक है, बोलना तुम लोग थोड़ी 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 इसको पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, तुम लोग हो सके तो देख लेना, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
सीताई गौर हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगनंदन विकाग्रधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। नितलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सब परिकर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।